नमस्कार दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लाखों दिलों की धड़कन सलमान खान के घर में जिस तरह से फायरिंग हुई थी बताना चाहेंगे आपको। सलमान खान के घर के बाहर दो आरोपियों को गुजरात के भुज से पुलिस ने किया है गिरफ्तार। पूरी खबर क्या है बताना चाहेंगे। दो दिन पहले की अगर बात करें तो सलमान खान के घर में जिस तरह से फायरिंग हुई थी तो आपने देखा कि वहां पर सलमान खान के घर के जो एक बालकनी में फायरिंग हुआ था, और कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि ये किसका इसके बारे में किसी ने जिम्मेदारी भी ली और किसने ली, पूरी खबर आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। लाखों दिलों की धड़कन सलमान खान जनता के चहेते, उनका प्यार हमेशा उनके साथ रहता, और बताना चाहेंगे सलमान खान के पर लगभग 5 राउंड फायरिंग करने के बाद आरोपी ने मुंबई छोड़ दिया, एक वाहन में सूरत की यात्रा की और फिर भुज में उतरे। बताया जाए मुंबई पुलिस ने रविवार को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के बांद्रा स्थित आवास के बाहर गोलाबारी की घटना में कथित रूप से शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार सोमवार देर रात गिरफ्तार कर लिया था। विक्की गुप्ता और सागर पाल के रूप में पहचाने गए इन दोनों लोगों को गुजरात के भुज से गिरफ्तार किया गया, जहां वह घटना के बाद भाग गए थे। बताया जाए कि विक्की गुप्ता और पाल बिहार के चंपारण के रहने वाले हैं। संयुक्त पुलिस आयुक्त लक्ष्मी गौतम ने कहा कि वह लोग मुंबई में सूरत से भाग गए थे, जहां से वह बुझ गए और छिप गए। उन्होंने यानी कि उन्हें शहर लाया जा रहा है, जहां उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। हम ये पता लगाने के लिए आरोपियों से पूछताछ करेंगे कि उन्हें गोलाबारी की सुपारी किसने दी थी, यानी कि यह संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा। सूत्रों ने कहा कि दोनों व्यक्ति असंभव हो सकता है, संभावना यह बताई जा रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के इशारे पर काम कर रहे थे। गोलाबारी की घटना के तुरंत बाद लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई ने, जो कि वर्तमान में जेल में है, ने हमले की जिम्मेदारी ली है। बांद्रा में सलमान खान के आवास गैलेक्सी के बाहर गोलाबारी रविवार तड़के हुई थी, जब दो आरोपी बाइक पर आए और 5 राउंड फायरिंग की। एक गोली अभिनेता के आवास की बालकनी पर लगी। पुलिस के मुताबिक गुप्ता और पाल के ने सलमान खान के आवास के बाहर 5 राउंड फायरिंग करने के बाद अपनी बाइक छोड़ दी और बांद्रा रेलवे स्टेशन और की ओर भाग गए। उन्होंने यानी सांता क्रूज से ट्रेन ली और मीरा रोड के लिए एक ऑटो रिक्शा किराए पर लिया। मीरा रोड से वह सूरत गए और फिर भुज के लिए ट्रेन ली, जहां अपराध शाखा ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बांद्रा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। बताना चाहिए बिश्नोई गिरोह ने अपील में अभिनेता को अतीत में, यानी अगर बात करें तो ये कब से इनकी आपस में जो रंजिश चल रही है, बिश्नोई गिरोह ने अतीत में अभिनेता को 2 धमकियां भेजी थी, जिन पर 1998 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान राजस्थान में काले हिरण को मारने का आरोप लगाया गया था। काले हिरण को बिश्नोई समुदाय द्वारा पवित्र माना जाता है, जिसने घटना के तुरंत बाद अभिनेता के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। अभी तक की जो बड़ी खबर जो है, बॉलीवुड अभिनेता और लाखों दिलों की धड़कन सलमान खान के घर पर, उनके आवास पर गैलेक्सी बंगलो जो उन पर जो कि फायरिंग करने वाले दो आरोपियों को जो कि भुज से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब आगे की क्या कड़ी निकल कर आती है। फिलहाल जो लॉरेंस बिश्नोई के भाई हैं, उन्होंने इस हादसे की घटना की जिम्मेदारी ली है। कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल पुलिस उन दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है, और कहीं ना कहीं बताना चाहेंगे कि पूछताछ में अब सामने क्या निकल कर आता है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट अपने सुझाव दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।